हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं रियल मी एक्स सेवन मैक्स का सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट इन रियल मी 3.0 C05, जो कि अभी रिसेंटली अपडेट आया है 5GB का। उसके बाद हम करके देखेंगे सीपीयू थ्रॉटलिंग कैसी होती है। बेसिकली थ्रॉटलिंग ये शो करती है कि आपके परफॉर्मेंस, मतलब आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस और सीपीयू की केपेबिलिटी कितनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और कितनी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रही है। तो इस टेस्ट को करने से पहले जावा वर्सेस नेटिव सी परफॉर्मेंस टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के बाद पूरी आपकी परफॉर्मेंस जो है सीपीयू की वो अनलॉक हो जाती है। इसको आप नहीं करोगे तो आपके स्कोर्स कम आएंगे, तो पहले इसको कर लेना है। 20 सेकंड में हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये कंप्लीट हो ही गया 20 सेकंड के अंदर। तो ये आपको पहले परफॉर्म कर लेना है, उसके बाद आपको जाना है बैक। और अभी मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे इसको स्टार्ट कर देता हूँ और देखते हैं कैसा रिज़ल्ट मिलता है। जितना भी ग्राफ में आपको ग्रीन दिखेगा उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब उतनी थ्रॉटलिंग नहीं हुई है आपके सीपीयू की। और जैसे जैसे ये येलो जोन या रेड जोन में जाता है, वैसे पता चलेगा कि इसकी थ्रॉटलिंग चालू हो चुकी है। तो एंड पॉइंट पे हमें ये परसेंटेज मिलेगा कि ये ओवरऑल कितना थ्रॉटल हुआ और कितनी परफॉर्मेंस इसकी ऑप्टिमाइज हुई। तो अभी बेसिकली अभी तो ग्रीन और येलो थोड़ा सा मिक्सअप आया था बीच में येलो पैच, और वो चला गया। ओवरऑल अभी तक मुझे ऐसी कोई अपडेट नहीं दिखी है जहाँ पे बिल्कुल ही रेड में और येलो में पूरा गया हो। हाँ, थोड़ा बहुत ग्रीन येलो चलता रहता है, लेकिन कभी भी पूरा हमें येलो और रेड का कॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिला अभी तक रियलमी एक्स सेवन मैक्स में। देखते हैं ये बीटा अपडेट में क्या देखने को मिलता है। अभी आप देख सकते हो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है, क्योंकि ये पूरा 15 मिनट का मैंने परफॉर्म किया था। अगर इसको मैं पूरा का पूरा प्ले करता तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, और मैं नहीं चाहता था आप लोगों को बोर करना, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। बाकी मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ कि आप इसको बीटा है अपडेट, अभी ये इसको अपडेट मत करो, स्टेबल का वेट करो, क्योंकि स्टेबल जो अपडेट आएगी वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। अभी बीटा अपडेट्स में कुछ कुछ इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ 4 मिनट के बाद से ही ये येलो जोन में जा चुका है। अब देखते हैं ये वापस आता है या नहीं, वापस से ग्रीन जोन आता है या नहीं, क्योंकि ऐसा पहले भी होता था कि थोड़ा बहुत येलो में जाता था फिर वापस से जाता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये पूरा का पूरा येलो में ही और रेड में ही कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। दिस इज़ काइंड ऑफ मतलब कि ये पहली बार देखने को मिला है मुझे ऐसा इतना मतलब परफॉर्मेंस इसका। ओवरऑल ये 70 to 80, मतलब 75 से नीचे मैंने देखा नहीं इसका परफॉर्मेंस गिरते हुए। अभी पता नहीं ये पूरा येलो और रेड में ही कर रहा है। तो आप देख सकते हो ये बीटा अपडेट अभी स्टेबल नहीं है, यहीं से ये प्रूफ हो जाता है। अभी आगे और देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है। वैसे मुझे लगता तो नहीं, क्योंकि पहले 8 मिनट तक तो स्टेबल ग्रीन में चलता था ग्राफ। आप मेरी पुरानी वीडियोज़ भी उठा के देख सकते हो, मैंने हर एक अपडेट के बाद इसकी सिमिलर वीडियो बनाई है, लेकिन कभी भी मुझे ऐसे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले। मैं खुद शॉक में हूँ अभी, इसलिए मैं आप लोगों से मना कर रहा हूँ कि इसको अपडेट मत करो अभी बीटा में। यहाँ पे आप देख सकते हो इतना ज़्यादा लंबा रेड में गया। ओवरऑल मुझे तो लग रहा है ये 50 to 60% ही देगा बेसिकली परफॉर्मेंस। ओह माय गॉड, मतलब ये तो पूरा रेड और येलो ही चल रहा है यार, ये मतलब स्टेबल परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। इतना रेडिश तो मैंने कभी नहीं देखा, और जबकि ये डिफ़ॉल्ट थ्रेड्स पे है, मतलब 20 थ्रेड्स पे ये टेस्ट हो रहा है। अगर मैं इसको 100 पे कर दूंगा तो ये रेड से ही स्टार्ट होगा। बिल्कुल भी स्टेबल परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो यार मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको अपडेट मत करना और बिल्कुल मत करना। बहुत सारे यूज़र्स कमेंट करते हैं कि मैं कर लूँ क्या। हाँ, अभी मुझे ऐसी परफॉर्मेंस में तो कोई भी ख़राबी देखने को नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पे जब हम सीपीयू को थ्रॉटल कर रहे हैं तो आपके सामने रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि ये ज़्यादा थ्रॉटल हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर अपडेट्स एज वेल। अब पता नहीं क्या रीज़न है इसके पीछे, मुझे लग रहा है सीपीयू इसका ऑप्टिमाइज़ नहीं किया गया है सही तरीके से। भले ही एंटूटू स्कोर सही आ रहे थे, 685,000 कुछ आए थे मेरे स्कोर, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे इतना रेड और येलो देख के तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो चुका है बेसिकली। इतना गंदा परफॉर्मेंस मैंने कभी भी सीपीयू थ्रॉटलिंग में नहीं देखा। जितने भी टेस्ट करे, मतलब अभी तक मैं 5-6 बार इसको टेस्ट कर चुका हूँ सीपीयू थ्रॉटलिंग में, हर एक अपडेट पर मैंने टेस्ट किया है फ्रॉम 8.17, और इतना गंदा रिजल्ट तो मुझे पहली बार देखने को मिल रहा है। पता नहीं क्या रीज़न है इसके पीछे। मेरी मेमोरी भी थोड़ी फुल है अभी इस वक्त पे, लेकिन मेमोरी को अगर साइड कर दें तो इतना ज़्यादा थ्रॉटल सीपीयू नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, लेकिन ये हो रहा है, क्या कर सकते हैं। पूरा आप देखोगे 4 मिनट के बाद से ये पूरा का पूरा थ्रॉटल ही हुए जा रहा है, और
परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो इसकी गिर रही है। 170 स्टार्ट ये 3 लाख से हुई थी और 170 2 लाख तक ही ये टिका पा रहा है अभी तक। तो यार ये मैं बोलूँगा आप लोगों से कि प्लीज़ अपडेट मत करो, मैंने इसको छूके भी देखा, ये गर्म भी बहुत हो रहा है। तो यार आपके सामने है अब ये जो भी रिज़ल्ट है, तो देख लेना अपने हिसाब से। वैसे तो मैं मना कर रहा हूँ अपडेट करने को, लेकिन फिर भी आपका मन हो, रिस्क लेना चाहते हो तो डू इट ऑन योर ओन रिस्क। बाकी परफॉर्मेंस में यार मुझे कोई भी ऐसी ख़राबी देखने को नहीं मिली, कुछ भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिले, लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि इसका परफॉर्मेंस इतना गंदा क्यों आया। ठीक है, अब जो भी है आपके सामने है। अब मैंने तो इसको कुछ मैनिपुलेट नहीं किया, ये तो मेरा पर्सनल डिवाइस है, मैंने खुद ख़रीदा है। तो अभी मैं यही कहूँगा कि रियलमी की स्टेबल अपडेट में होपफुली ये फिक्स कर दें पूरी परफॉर्मेंस, और ऐसे गंदे ग्राफ्स हमें आगे देखने को ना मिलें, बस यही मैं सोचूंगा। और यहाँ पे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो स्कोर्स इतने 63% तक थ्रॉटल हुआ है ये ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। तो यार ये तो बहुत ही गंदा रिज़ल्ट मिला है एक तरीके से मेरे को, पहले ऐसे कभी भी इतने गंदे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले अब, लेकिन क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर भी इसका। बाकी मैं बोलूँगा अभी भी कि आप अपडेट मत करो, और अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज़ वगैरह परचेज़ करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी की पूरी लिंक्स आप लोगों के लिए सॉर्ट करके रख दी हैं, चाहे वो कवर्स हों, स्क्रीन गार्ड्स हों, आईपैड के हों, रियलमी X7 मैक्स के हों, सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, तो वहाँ चेकआउट करना मत भूलना। बाकी आप मुझे वेरियस प्लेटफॉर्म्स से ही फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैं अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करता रहता हूँ, और ट्विटर पे मैं ट्वीट भी करता रहता हूँ, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप भी है। तो वेट क्या कर रहे हो, ज्वाइन करो जल्दी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।